बर्डमैन को कैसे बुलाए? अरे बचाओ, कोई बचाओ, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज कोई मदद करो, हमारी कोई मदद करो। मैं कह रही थी हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। वैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो फिर मेरी मदद कौन करेगा, ये तो बताओ। पर मैं, अगर वो अभी यहाँ आएगा तो हमें जरूर बचाएगा। ये सही कहा, मैं अभी पर मैं को बुलाता हूँ। भैया मैं आ गया। हाँ मैं जानता हूँ इन दोनों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर अब उन्हें माफ कर दो प्लीज। शुक्रिया परमान। कोई बात नहीं, आगे से किसी जानवर को तंग मत करना। बड़ी अजीब बात है। क्या अजीब बात है मिची को? अभी अभी मुझे एहसास हुआ कि कहीं मित्सुओ ही। हे आई, माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया, पर मैं आया तो था ना। कहीं मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना? क्या हुआ, तुम सब ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या मैं बताऊं कि परमैन को कैसे बुलाते हैं? हाँ मित्सुओ, तुम ही बताओ, क्योंकि तुमने अभी अभी परमैन को बुलाया था और वो आया भी था। सही कहा, अब तुम हमें भी सिखाओगे कि परमैन को कैसे बुलाते हैं। परमैन को बुलाना इतना आसान नहीं है। प्लीज मित्सुओ, हमारी मदद करो। वो उसे बुलाने के लिए क्या? तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। क्या हुआ मित्सुओ, तुम हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? सुनो, जैसा कहा है वैसे ही करना। हाँ वही करूँगा। बाय बाय। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मित्सुओ अब जल्दी से हमें बता दो, मैम को कैसे बुलाते हैं? इतनी जल्दी क्या है दोस्तों, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। अभी देखो, पपी पुपे पपी पुपे पपी पुपे परमैन, पपी पुपे पपी पुपे पपी पुपे परमैन। क्या एक्टिंग कर रहा है? और कैसे हो सब, तो बताओ क्या काम है मित्सुओ? वो सब जानना चाहते हैं कि परमैन को कैसे बुलाते हैं। तुम पपी पुपे वाले मंत्र से आते हो? सही कहा, मंत्र पढ़ो और मैं हाजिर। कैसे समझाओ, वो असल में टेलीपथी जैसा है। टेलीपथी? हाँ हाँ, मतलब हम दूर तो होते हैं लेकिन हमारे दिमाग तक मन की आवाज पहुँच जाती है। सब तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तुम जितने माहिर उतनी जल्दी में हाजिर। सही कहा, अगर मित्सुओ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कब आओ, तुम मंत्र ठीक से नहीं बोल रहे हो। पापी पूपे पापी पूपे ऐसे बोलते हैं, समझ गए? अच्छा, पापी पूपे पापी पूपे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो मंत्र गलत है फिर भी वो लोग दोहरा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता। सुनो साबू, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या सोच रहे हो कबाओ? मैं टेलीपैथी ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा हूँ। हम पापी पूपे में तो माहिर हो गए हैं, लेकिन परमैन को बुलाने के लिए टेलीपैथी जरूरी है। सही कहा तुमने। एक मिनट रुको, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। क्या सच में? तो फिर बताओ मुझे। तुम सोच रहे हो तुम्हारे पापा के दांत कहाँ गिर गए होंगे। सही कहा, अब तो हमारी टेलीपैथी की भी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। तुम सही थे साबू। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, क्योंकि कबाव सिर्फ दो ही चीजों के बारे में सोचता है, एक तो खाना और दूसरा अपने पापा के गिरे हुए दांत। जानते हो, आज हम अपने ही शहर में पहरा देंगे बूबी। पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे परमैन, पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे परमैन। हाय मिचिको, सब ठीक तो है ना? बाय बाय। परमैन, पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे परमैन, पापी पूपे पापी परमैन। हाय साबू, कैसे हो, सब ठीक तो है ना? परमैन मेरे बुलाने से आ गया।
पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे पामन पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे पामन। ओह कबाब मुझे बुला रहा है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, क्या करूं, वॉशरूम जाना है। सॉरी तुम्हें इंतजार करवाया, बहुत देर हो गई ना, चलो वापस चले। तुम कब से क्या बड़बड़ कर रहे हो, ये पापी पूपे क्या है? पापा ये एक हमेशा देखो तब पापी पूपे कहते रहते हो, अगर तुम्हें यही बोलना है तो बाहर जाकर बोलो, घर पर नहीं। पर पापा लगता है मैं टेलीपैथी में माहिर नहीं हुआ हूँ। पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे पामन पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे। अरे नहीं परमन, सिर्फ कबाऊ के बुलाने पर नहीं आया। कबाऊ प्लीज तुम इस बात का बुरा मत मानना। दोस्तों मुझे लगता है ये बस इत्तेफाक है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन कैसे हो सकता है, वो तो हमारे बुलाने पर भी आ गया। हाँ ये सच है मित्सुओ। एक बात बताऊँ, मुझे लगता है परमैन तुम्हारे आसपास पहरा दे रहा होगा और तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आ गया होगा। हाँ हो सकता है इत्तेफाक ही होगा, शायद हम उसे नहीं बुला सकते। हाँ अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, शायद ये सच में इत्तेफाक है, इसलिए तुम्हारे बुलाने पर परमैन नहीं आया। तुम्हें इस बात से खुशी हो रही है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कबाऊ बेचारा कबाऊ। तुम कहाँ जा रहे हो, कोई हादसा हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, मैं बस कबाऊ से मिलने जा रहा हूँ। मैं परमैन को नहीं बुला सकता, शायद वो मुझसे नफरत करता है, ये पापी पूपे मंत्र किसी काम का नहीं है। हेलो कबाऊ कैसे हो? परमैन तुम आ गए और परमैन नंबर टू को भी ले आए। हाँ ये सपना नहीं है। ये क्या बड़बड़ा रहे हो तुम, मुझे लगा तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं चला आया। सच में ये मैं टेलीपैथी में माहिर हो गया। ये तू भी मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया दोस्त। बोलो क्यों बुलाया कबाओ? मैं तो बस चेक कर रहा था। अब मैं परमैन को कभी भी बुला सकता हूँ। ये तो कल वाला ही डॉगी है, कल ये मेरे पीछे पड़ा था और आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ बचाओ परमैन। अरे हाँ मंत्र, पापी पूपे पापी पूपे पापी पूपे फिर से नाटक कर रहा होगा, छोड़ो ना हम पहरा देने चलते हैं, चलो बूबी। पापी पूपे परमैन मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? मुसीबत में मैंने परमैन को बुलाया लेकिन वो नहीं आया। यह तो मामूली सी बात है। मामूली सी बात? अच्छा तो क्या आप जानते हैं परमैन को कैसे बुलाते हैं? यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बेटा, अभी लो बुलाता हूँ। ये देखो। अच्छा चलो चलते हैं बूबी। बोलिए अंकल। अरे कबाऊ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है अंकल, परमैन आ गया। देखा मैंने कहा था ना, आपके बांसुरी बजाने का स्टाइल तो कमाल का है। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। अच्छा परमैन आ ही गए हो तो खाना खा लो। ओ शुक्रिया अंकल, आप मुझे हमेशा अच्छा खाना खिलाते हैं। अंकल आप तो टीवी वाले शेफ हो ना? हाँ मैं वही हूँ, वो देखो। अरे नहीं परमैन टीवी वाले शेफ के बुलाने पर आता है, यानी पापी पूपे मंत्र किसी काम का नहीं है। अब मैं मित्सुओ को जाकर बोलूंगा कि परमैन को बुलाओ, इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ मित्सुओ। बहुत गुस्से में दिख रहा है कबाऊ, अब मुझे नहीं छोड़ने वाला। कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा।